इतनी फूटी। आज मैं चॉकलेट कोकोनट लड्डू बना रही हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी। मैंने 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम ली है। आप इसकी जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दूध पर आती है। और ये मैंने चॉकलेट ली है और 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। मैं पहले चॉकलेट को मेल्ट करूँगी और फिर बटर को, फिर हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है और बटर भी। अब मैं इन्हें एक मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी। अब मैं बटर ऐड कर दूंगी इसमें। इसे थोड़ा सा मिलाएंगे। इसके बाद हम क्रीम ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स हो गया इसमें। अब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दूंगी। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम हाथ से मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसके लड्डू बनाने स्टार्ट करूँगी। थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये हमारा लड्डू बन गया है। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ऐसी है। लीजिए, रेडी है हमारे चॉकलेट कोकोनट लड्डू। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।